हाँ सुनो, भाई की मूवी है। सो पंजाब से जस्सी गिल, शहनाज गिल को ले लो, साउथ से वेंकटेश सर, जगपति सर को ले लो, और भी लोग चाहिए तो एक काम करो, पूजा हेगड़े, सिद्धार्थ निगम, राघव जोयाल, सबको ले आओ और शूटिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है? हाँ, क्या चाहिए? स्क्रिप्ट? भाई की मूवी के लिए स्क्रिप्ट चाहिए? दिमाग तो ठिकाने पे है। हमें लगा था ट्यूबलाइट के बाद भाई जान स्क्रिप्ट्स पर थोड़ा तो ध्यान देंगे, मगर ये किसी का भाई किसी की जान ने तो स्क्रिप्ट विद नो जान करने की कसम खाई है, खाई है। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और ई टाइम्स पर लेकर आई हूं ईद पर रिलीज हुई मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान फिल्म का रिव्यू। ये फिल्म कहानी है भाईजान की, जिनकी जान बसती है उनके तीन भाइयों में, और उनकी परवरिश करने के लिए भाईजान डिसाइड्स टू नेवर गेट मैरिड। मगर जैसे ही एक सुंदर कन्या का आगमन उनकी लाइफ में होता है, भाई का कंट्रोल खोता है। मगर ये हैप्पी एंडिंग नहीं, सिर्फ इंटरवल है बच्चा, क्योंकि जिस कन्या को भाई देते हैं दिल, उसकी फैमिली के पास का बहुत लंबा चौड़ा है बिल। हम पिछले कितने टाइम से कह रहे हैं ना कि बॉलीवुड के पास कुछ नया नहीं है करने को, हम सिर्फ साउथ की मूवीज का रीमेक ही करते हैं। मगर इसकी डूबती नैया को भी पार लगाने के लिए साउथ का सहारा लिया गया है विद एक्टर्स लाइक दगुपति वेंकटेश एंड जगपति बाबू, एंड नो डाउट दोनों ने ही काफी उमदा काम भी किया है। एंड ऑफ कोर्स सलमान खान बीइंग सलमान खान कीप्स द ऑडियंस ग्रिप्ड विद हिज एक्शन एंड अडोरेबल चार्म। मगर इसके अलावा क्या आपको इस फिल्म में कैरेक्टर्स की आर्च मिलेगी? नहीं। लॉजिक मिलेगा? नहीं। नॉर्मल कोई चीज मिलेगी? नहीं। अच्छे गाने? नहीं। और गानों से याद आया, भाई ये छोटू मोटू सॉन्ग क्या है? मतलब पहले आप लॉजिक और स्क्रिप्ट भूल जाते हैं और फिर आप इतने आलसी हो जाते हैं कि गानों के लिरिक्स की जगह नर्सरी राइम्स डाल दी। छोटी बच्ची हो क्या? एंड हम सब जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू डांस, सलमान खान का अपना ही एक स्टाइल है, मगर इस बार लग रहा है कि भाई ने शूटिंग की वजह से लेग डे ना मिस कर दिया है और इसीलिए अजीब से लंजेस मार रहे हैं सॉन्ग्स की वीडियो में। और सिर्फ यही क्यों, बाकी के सॉन्ग्स में भी अतरंगी चीजें ही हैं। सलमान को छोड़ो, मेरा तो राघव जो प्रोफेशनल डांसर एंड कोरियोग्राफर है, उनसे भी भरोसा उठ गया है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? देखिए, गलत की बात तो हम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि गलत तो इस फिल्म की स्टार कास्ट के साथ हुआ है। अब चाहे शहनाज गिल हो या सिद्धार्थ निगम, विनाली भटनागर, पलक तिवारी, जस्सी गिल, राघव, इन सब के कैरेक्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव में क्राउड ऐड किया है और कुछ नहीं। मतलब इनकी जगह अगर कोई और भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये कैरेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं होते तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। गजब बेइज्जती है भाई। गजब बेइज्जती से अगर इस फिल्म को किसी ने बचाया है तो वो है इसका एक्शन। हर एक सीक्वेंस वेल कोरियोग्राफ्ड है, एक्शन सीन्स काफी जगह पर रोंगटे खड़े कर देते हैं, और वो हर मायने में फिल्म के कॉमेडी सीन से बहुत बेहतर हैं, जो आपको हंसाने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। ऑल्सो इफ यू आर अ सलमान खान फैन, तो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक शर्टलेस मोमेंट भी है। And on this note, मैं नेहा लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलती हूँ अगली बार एक नए मूवी रिव्यू के साथ। Until that time, E-Times को सब्सक्राइब करना ना भूलें।